हेलो एंड नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा टारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू टेंथ ऑफ अक्टूबर इसमें हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टूवर्ड्स आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टूवर्ड्स सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं एंड देन हम देखेंगे हर एक जोरियक साइन क्या फील करता है क्या इंटेंशन मैसेजेस हैं टूवर्ड्स यू आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर लियो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज फर्स्ट टू अक्टूबर लियो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर लियो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर वाओ ओके लियो आई फील आप ना um, कोई बहुत ही ब्रेव स्टेप ले रहे हैं लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर पार्टनर अबाउट योर रिलेशनशिप एंड आप काफी एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं लाइक देर इज देर इज समथिंग दैट योर पार्टनर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड यू आर डूइंग इट मे बी आप पहले उस चीज को लेकर श्योर नहीं थे बट नाउ यू लाइक आई हैव टू डू दिस एंड मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे स्टेप लेना पड़ेगा और मुझे एक्शन लेना पड़ेगा ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट और मुझे लेना पड़ेगा इट इज तो आपकी तरफ से थोड़ी सी मुझे तो कंफर्ट जोन uh, आप काफी कॉन्फिडेंट हैं इस बारी सिचुएशन को लेकर कि हाँ ठीक है चीजें वर्कआउट हो जाएंगी वर्कआउट हो जाएंगी या हाँ जो मैं करने जा रहा हूं वो ठीक होगा Um, towards your relationship, of course. Also, मुझे feeling आ रही है कि आप ना थोड़ा partner आपके आपके के बीच में romance is in the air, okay? It has not died down. वो वहीं पे ही है अभी भी है And आप थोड़ा उस romance को और ज्यादा जगाने के लिए उसको और मल्टीप्लाई uh, करने के लिए हो सकता है बाहर डेट्स पे जाओ आप अपने पार्टनर के साथ um, एंड आई फील वो जो प्रोमिस और वो एक्शन ओरिएटेड वाली जो चीज थी ना वो कहीं इसी चीज से रिलेटेड है कि इन स्टेड ऑफ लेटिंग चीज खत्म हो गई, आ गई अब क्या कर सकते है आप एफर्ट ले रहे हो आप यू आर हैोइंग आउट विद योर पार्टनर यू आर पुटिंग इन एफर्ट आप यू नो लाइक बाहर जाना सोशलाइज करना कुछ नई चीजें पता लग जाएंगी पार्टनर के बारे में सो आई थिंक

हम्म देखिए लियो आपके पार्टनर के लिए तो चीजें पूरी खत्म हो रही हैं ठीक है उनके मन में दिमाग में उनके हिसाब से मे बी वो पैनिक कर रहे हैं आई एम नॉट श्योर इज गोइंग रॉन्ग रॉन्गर बट वो अपने दिमाग में ये चीज बना के बैठ गए हैं कि अब तो चीजें खत्म हो गई हैं अब तो रिलेशनशिप खत्म हो गया है अब तो यू you नो know, कोई स्पार्क नहीं रहा है कोई चीज नहीं है एंड नाउ एवरीथिंग इज गाइड डाउन और अब कुछ नहीं हो सकता है ठीक है तो उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि ठीक है मे बी स्पार्क खत्म हो गया है एंड बोरियत आ गई है एंड चीजें डाउन हो गई हैं बट अगर आप एफर्ट डालो तो चीज दोबारा से स्टार्ट हो सकती है उनको वो चीज नहीं समझ आ रही है उनको लग रहा है कि नाउ देर इज नो कमिंग बैक अब चीजें बेहतर नहीं हो सकती है अब तो हमारे रिलेशनशिप का दी एंड है जिस वजह से उनको एंग्जाइटी हो रही है उनको रेस्टलेसनेस हो रही है रात को नींद नहीं आ रही है स्ट्रेस ले रहे हैं टेंशन में है बिकॉज फॉर देम दिस रिलेशनशिप इज ओवर नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू बट उनको लग रहा है कि अब ठीक नहीं हो सकता है अब कैसे ठीक हो सकता है सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट टेन डेज के लिए सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर सिंगल लियो के लिए बताइए फर्स्ट टू अक्टूबर सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस यूर वेरी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ आपकी इन ट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट होती है आपको समझ आ जाता है क्या आपकी तरफ आने वाला है क्या नहीं आने वाला आप उसके लिए और ज्यादा प्रिपेयर रहते हैं सो आई थिंक आप ना यू आर वेरी अलाइंट विद योर गोल्स एंड विदिवर्स एंडिवर्स है आपके इंटर के हिसाब से आप काम करते हैं तो यहाँ पे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन दिख रही है आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है आप घूमते फिरते हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हैं एंड वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी विद योर लाइफ मतलब अगर कोई चीज कम है <coughs> तो भी हम खुश हैं अगर ज्यादा है तो तो ऑफकोर्स खुशी की बात है ही तो हर चीज में ना आपने एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढ ली है या ढूंढ लोगे आप बट ऑल्सो um, मुझे लक आपको फेवर करता दिख रहा है सॉरी <coughs> मुझे दिख रहा है कि आपका लक फॉर्च्यून डेस्टिनी आपको फेवर कर रहा है एंड थिंग्स आर वर्किंग आउट ठीक है थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर इन योर फेवर

फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि पीसीओडी, माइग्रेन थायराइड, साइनस सर्वाइकल हो गया एक्ने गट इश्यूज ये सारी चीजें हो गई या आपको इमोशनल इश्यूज हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है फियर ऑफ आइसोलेशन है रिलेशनशिप ट्रामा चाइल्डहुड ट्रामा क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है सो so, ये सारे इमोशनल बैगेजेस होते हैं अब इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेज जो होते हैं ब्लॉकेज बैगेज कुछ भी बोल लीजिए ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे करेंगे चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है आप रेकी इनफ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ अगर आपको लेट्स से किसी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है तबियत खराब हो जाती है बार बार चिड़चिड़े से रहते हैं मूड स्विंग्स होते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है किसी और की लेट से कोई सिचुएशन या कुछ तो हम आपका और क्लेंजिंग कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको ये फिगर आउट करना है कि आप अपने लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं आपका और किस कलर का है कौन सा चक्रा है जो सबसे वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है तभी नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, तो उसके लिए हम आपकी और स्कैनिंग कर सकते हैं बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इन चीजों में बिलीव करें कि हाँ इससे रिजल्ट आएगा एंड आप थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि कई क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ यू नो लाइक हीलिंग करवानी है एंड कब तक होगा कब तक रिजल्ट दिखेगा तो अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं एंड अगर आप क्विक रिजल्ट्स में का की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं बेसिकली देन यू शुड नॉट गो फॉर हीलिंग आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी हीलिंग में आपका पंद्रह um, साल का इमोशनल बैगेज दस साल का इमोशनल ट्रॉमा या रिलेशनशिप ट्रॉमा मैं दो हफ्ते में ठीक नहीं कर सकती कोई नहीं कर सकता है तो यू नीड टू बी पेशेंट एंड यू ऑल्सो नीड टू बिलीव दैट येस दिस विल वर्क आउट एंड थिंग्स विल गेट बेटर अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी फॉर बोथ द पार्टीज ठीक है तो so, वो मैं हर किसी को बोलती हूँ वो चीज ध्यान रखिएगा एरीज एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो एरीज जो है इंसान दिस कुड बी दिस पर्सन कुड बी दू हैडी मेड द पर्सन द रोमांटिक पार्टनर जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में एंड वो एरीज है सो so ये वो इंसान हो सकते हैं जिसकी आपको ढूंढ है सोच है टॉरस एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए Uh, आपकी प्रेयर्स प्रेयलाइजेशन मैनिफेस्टेशन सब पूरी हो रही हैं, बिकॉज कॉलिंग इन योर सोलमेट वाला कार्ड है हमारे पास टॉरस आपका सोलमेट हो सकता है अब ऑफकोर्स कई लोग बोलेंगे कि एरिज के लिए भी आपने यही बोला दिस कुड बी द वन टॉरस के लिए भी तो भाई ब, बर्थ चार्ट में सारे साइंस होते हैं सन साइन मून साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ हो सकता है एंड ऑफकोर्स किसी से रेजोनेट कर सकता है किसी से नहीं बट टॉरस सोलमेट एंड आपकी जो एफ थी वो पूरी हो रही है एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए आप काफी ज्यादा जेमिनाय पे डिपेंड कर रहे हैं लियो को डिपेंडेंसी दिख रही है या तो जेमिनाय पे डिपेंड कर रहे हैं या फिर जेमिनाई की एडिक्शन हो रही है आपको ग्रीड के और चाहिए मुझे और टाइम स्पेंड करना है जेमिनाई के साथ या You know, like, एक लत लग रही है कि इस इंसान के बिना मैं नहीं सर्वाइव कर सकता ये हो सकता है या फिर एडिक्शन ऑफ समथिंग एल्स बट आर अफेक्टिंग योर लाइफ इट बी स्मोकिंग अल्कोहल सम अदर थिंग्स बट आपकी रोमांटिक लाइफ अफेक्ट हो रही है इस चीज से कैंसर एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं uh, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा लियो आपको कैंसर पे या फिर इस सिचुएशन पे बट uh, जो भी आपका अभी करंट सिनारियो चल रहा है इट इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ आप गिव अप नहीं कर सकते आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट ओके सो द सिचुएशन इज कॉलिंग यू कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे इस इंसान पे एंड थिंग्स विल वर्क आउट ठीक है थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए लियो एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए प्लीज मेक द एफर्ट ठीक है अगर आप किसी लियो इंसान के साथ है है और आपको लग रहा शुड आई शुड आई नॉट यस यू शुड बिकॉज़ इस इंसान के साथ एक वो वर्थ इट वाली फीलिंग होती है ना कि हाँ आ, मैंने कुछ गलत नहीं करा या मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा सो so, अगर आप एफर्ट लोगे टूवर्ड्स दिस अदर लियो देन आपको वो वर्थ इट वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने सही एफर्ट लिया मैंने वो एफर्ट जाया जाता नहीं दिखेगा या लगेगा लियो एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए रिकंसुलशन वर्गो वापस आ रहे हैं रिकन्सुलशन हो सकता है जरूरी नहीं है कि अगर ये पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं आप उनको वापस ले लें अपनी लाइफ में बट आ जरूर रहे हैं विद द पर्पज ऑफ रिकन्सुलेशन लियो एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा आपके एक्स है रिलीज करिए यू नीड टू गेट रिड ऑफ द एनर्जी क्लियर योर एनर्जी जो भी है लीब्रा को बाहर निकालिए ठीक है आप जब तक एक्स को बाहर नहीं निकालेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे स्कॉर्पियो एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो एंड लियो आपके बीच में बहुत पैशनेट लव है एंड आप आई थिंक यू जस्ट नीड टू बी इन द मोमेंट टू अलाउ दिस दिस पैशनेट लव फुल्ली ठीक है सो पैशन दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा सजिटेरियस एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए फाइनेंसेज एंड करियर आपके बीच में आ सकते हैं इफ यू आर डीलिंग विद द साजिटेरियस देन उनके फाइनेंसेज फाइनेंशियल इशूज या उनका करियर स्टेबल नहीं है शायद वो सारी चीजें आपके एंड सजिटेरियस के बीच में आ सकती है आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है केप्रिकॉन एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए केप्रिकॉन आपका ट्रू लव है दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम एंड ये चीज आपको वापस नहीं मिलेगी ठीक है तो केप्रिकॉन आपका एक सच्चा प्यार बोल लीजिए जैसे ही बोल लीजिए बट दिस इज इट ओके एक्वेरियस एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए देखिए एक्वेरियस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं लियो आ, या हैं ऑलरेडी आई फील हैं तो नहीं बट आ सकते हैं आगे जाके एंड दिस कुड बी अ न्यू लव लाइक अ न्यू रोमांटिक कनेक्शन कोई नया इंसान है जो कि आप आपके मन में थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो स्टोर कर रहा है लाइक इनिशिएट हो रही है स्टार्ट हो रही है आपके मन के अंदर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर दिस एक्वेरियस पर्सन तो ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है हमें ज एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स प्लीज बताइए चिल्ड्रेन अफेक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को सो योर लव लाइफ यूर रोमांटिक लाइफ यूर मैरिड लाइफ वींग चिल्ड्रेन आपके बच्चे उनके बच्चे किसी और के बच्चे बट चिल्ड्रेन अफेक्ट कर रहे हैं आपकी एंड स्पाइसेज की के रिलेशनशिप को एसेट्रा ओके बट येस मोर ऑलैस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको रीडिंग पसंद आए यू नो द ड्रिल लाइक like करिए वीडियो शेयर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय